चढ़ाओ कौन ज्यादा करीब है देखते हैं। मुखे दे मुखे दे, लाइयो चलाइयो, आगे का पैर धर के पीछे का मार दो। अब तुम दे, अब तुम दे, आगे का पैर का। बंटी कितने किलो की है? पीछे का मारो, तुक्का लगाओ मुसलमानों। आज फरहान भाई कितने बजे? ओए होए, 100। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान। दोस्तों आज हम अपने फार्म के ऊपर आए हुए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे एक अनोखा वीलॉग, और वीलॉग का नाम है मुसलमानों तुक्का लगाओ मुसलमानों। आज जो है मुकाबला करेंगे यहाँ पर और देखेंगे किसका तुक्का जो है वो सही लगता है। फरहान भाई कहाँ है? फरहान भाई आओ ना यार। मुसलमानों तुक्का लगाओगे, बछड़ों का वजन कितना है देखते हैं। रियान आज पता चलेगा कौन। आओ फरहान भाई, हमारा तुम मेरा और तुम्हारा मुकाबला है। जीरो पे ना मेरा है 77 6 से। एक किलो कम हुआ है देखो दोस्तों, एक किलो वजन कम हो गया मेरा। एक किलो वजन कम हो गया भाई इनका, काम करने से एक किलो आगे जाके पता नहीं कितना सीजन पे कितना कम होगा। कितना है बच्चा लाइफ बताओ, वजन बताओ। हाँ 80 किलो। मेरा मेरी सुनो, 140 से 150 की दरमियान है। 140 है। चलो भाई चलो, मैं बीच में ही नहीं पड़ता तुम दोनों के। चढ़ाओ, कौन ज्यादा करीब है देखते हैं। मुखे दे मुखे दे, लाइयो चलाइयो चलाइयो। फरहान भाई जीतते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। फरहान भाई सीधा चलो, सीधा चलो। आहा, कौन जीता? ना तू जीता ना ही जीता। मैं ज्यादा करीब हूँ ना मेरे भाई, 140 150 बोला था मैंने। क्या कर रहे हो यार तुम, स्केल खराब है स्केल। माशाल्लाह से भाई, आधा कर ले 100। तो मैं सही हूँ ना? 175 है। 175 गोश की बात ही नहीं भाई, गोश की बात ही नहीं गई हमने। आप पसड़ी मार रहे फरहान भाई, तुम गोश कितना हो गया? दो मन हो गया ऑलमोस्ट। चलो रे अंदर के बाद बंटी को ले ले। ओए शमन, ओए शमन, इत्या शमन ढीले, शमन भाग क्या है घर? बोलो फिर दो करना, कैलकुलेटर निकाल लो। अब जो है वो ज्यादा किलो होगा ना, निकाल उसको। फरहान भाई, फरहान भाई का वजन करते हैं आज। फरहान भाई कितने वजन? ओए होए, 130 के जी। नहीं नहीं, ये क्या, ये क्या पैर लगाया हुआ था? 98.5। चलो सही है, अभी 100 के नहीं। बंटी 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 कोने वाली नहीं जो आई है ना, बंटी बोली। और यान भाई और लोग, भाई आप लोग बोल रहे थे यार कि जो है वो मानी भाई की नकल कर ली आपने मशीन रख के। भाई तूड़ी का काम है यार, खुदा के वास्ते यार, तूड़ी का काम है, तोलेंगे कैसे हम? ये तो बताओ यार, ये सबों ने मंजन बेचा है तो ये समझो। चलो अब ये समझ लो, मंजन बेच रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं। हम जो हमारे कुर्बानी के जो जानवर हैं, बड़े बछड़े हैं जो हम तैयार कर रहे हैं जानवर, उनको हम उनका वेट नहीं करेंगे। जो दूसरे अगर नए उतरेंगे उनका करके एक ही दफा देखेंगे। अच्छा कैलकुलेट निकाल लो, मैं ना मनों के हिसाब से बताऊंगा, मन के हिसाब से ना कितना किसका मन है जिंदा। 175 केजी केजी है ना। आप जो कैलकुलेट निकाल के रखो ना, मैं बताऊंगा इतने मन, तो आप डिवाइड कर देना उसको 40 से जितना वेट है, ताकि अंदाजा हो जाए कितने मन आ रहा है कितने नहीं आ रहा। खुद ही कर लेंगे। नहीं नहीं, कढ़ाई कढ़ाई की शर्त लगी है भाई। फरहान भाई से क्या हो गया यार? कढ़ाई तो आज हो गई ना, हार गए यार बच्चे से, हार गए फरहान भाई। नहीं नहीं नहीं, आप जिंदा बोल रहे हो। नहीं ये तो अच्छा, गोश में कितना तुक्का लगाओ मुसलमानों, बताओ ये बंटी कितने, बताओ कितने मन की है जिंदा? अच्छा बताओ, बताओ बंटी कितने किलो की, जिंदा कितने मन की है? जिंदा ये है 240 250। तुम बताओ भाई, ये तुमने कुछ कान में बोला है? नहीं नहीं, ये धांधली हुई है, धांधली हुई है। 240 तुम कितना बोले? छोड़ो मैंने जो बोला, ये ऐसा ना हो कि तुमने वेट करवाया और तुम बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका मन के हिसाब से बताऊंगा। मन के हिसाब से छोड़ो, जिंदा का बताओ। छोड़ो तुम, ये जिंदा होगी कम से कम भी, ये जिंदा जो है ना वो कम से कम भी 7.5 से 8 मन आएगी। चलो चलो कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो। ये वकास भाई ने बोला 270 केजी, 7.5 से 8 केजी। साढ़े सात से आठ मन इतना ही हो रहा है, कैलकुलेटर में देखूंगा मैं हिसाब का, थोड़ा कच्चा हूँ भाई मैं। 9.5 मन हो रहा है ना यार, 260 भी आ गए तुम जीत जाओगे। 260 से ऊपर जाएगी। चल बंटी, इसका पाँव आगे रखा दे, आगे आ रहा है। पाँव रखवा, पाँव रखवा, ओए 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 ओए, पाँव रखवा आगे यार। डर रही है, आएगी आएगी आएगी, आगे का पैर रखा तो आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, चढ़ जाएगी। एक मिनट लूज छोड़ू क्या? आगे नहीं नहीं नहीं, आगे का पैर रखेगा, आगे का पैर रखो, पैर रखो, थोड़ा सा सीधी कर लो रियान भाई, सीधी। हां आगे का पैर डालो, ठीक है सीधी करो, सीधी करो ईशान, आगे का पैर धक्का पीछे का मार दो। अब तुम दे, अब तुम दे, आगे का पैर का। बंटी कितने किलो की है? धक्का मारो, तुक्का लगाओ मुसलमानों। अरे
चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए बस। चलो 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 चेक करो चेक करो। हाँ 301 kg। ओ माशाल्लाह 301 kg। अब लगाओ हिसाब, 301 kg को डिवाइड करो 40 से, करना। अरे बाबा उठे भी ऊपर आई बाबा, कैलकुलेटर निकालो बाबा। कितने? 7.5 मन। देखा बाबा तुक्का, देखा कसोड़े। वो 370 थी ना? कौन सी? वो वाली, वो वाली। हाँ मैं सही है सही है सही। मैंने कहा वो शायद मैं 270 जहन में लिया हुआ। 270 चले जा। ये कितना बन रहा है डिवाइड तो करके देख लो, एग्जैक्ट फिगर तो दिखा दो भाइयों को। 7.5 मन। कितने? 7.52। शहादत आ गई है, मौसूल हो गई है, मुसलमान हो तुक्का लगाओ। हाँ भाई 50 किलो का माल। हाँ भाई ओए ओए। और बंटी भाग गई है। काबू किया कर, ढीला है यार ये तो। सही सही कह रहा, छोड़। हाँ भाई फरहान भाई क्या खिला रहे हो फिर आज आप? जो बोलो अभी तुम हैं क्या खा रहा है आपको? चलो संडे खा लेंगे ना। और ये बता दो लोगों को, बता दो आप, गवाही दो कि हमने पहले वजन किया था इस बछड़ी का, ये नहीं किया था नहीं, आपके नहीं, सामने जब भी आए, जब से मशीन आई है नहीं, आपके सामने आए कभी नहीं। मगरिब की अजान हो रही है दोस्तों, वजन बिल्कुल भी नहीं किया कि हमने बछड़ी का, ना हमें पता था कितनी है कितनी नहीं है। अभी तो एक आइडिया हो रही है। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। बाकी तुक्का कैसा लगा आपको? बच्चे ने फेल कर दिया, हमने तो अपनी इज्जत बचा ली, कुछ बताया ही नहीं। बच्चे ने फेल कर दिया है यार फरहान भाई। चलो ये कोई बात नहीं, असल में वहाँ फरहान भाई आप हो गए या मैं हो गए, हम लाइफ वेट को मानते ही नहीं है। हम तो जानवर देखते हैं इतना है गोश्त में, हमें गोश्त का आइडिया है, लाइफ वेट हम तो अल्लाह के नाम पे काट रहे हैं, फिर क्या देखना है कुर्बानी की। चलो दिल बहलाने के लिए गाली भी, ख्याल भी अच्छा है तुम्हारा। दिल बहलाने के लिए गाली भी, गुमान भी अच्छा है। अच्छा ऐसा था। अच्छी बैठी है रियान भाई माशाल्लाह, आगे ऊपर। हाँ भाई रियान भाई कैसे दिया? भाई अभी मंजन बेच रहे हैं, मंजन। आप पब्लिक समझ रहे हो मंजन किसको बोलते हैं? ये कोई गारंटेड नहीं। चले दोस्तों आज बोले 200 किलो के लिए इजाजत दीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़ी जबरदस्त वीडियो आने वाली है छूट किया कैटल फार्म का। कैटल फार्म की भी वीडियो आने वाली है, ये वीडियो तो मैं आज अपलोड करूंगा। कल आने वाली है हमारी अजवा, ठीक है। अजवा के बाद आएगा व्लॉग कसवा का। दिशान भाई की हट जाएगी यार, बोलो। नहीं 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 कसवा का आएगा इंशाल्लाह, थोड़ा उसका है वो सही हो जाए इंशाल्लाह। हाँ। कसवा का भी, क्योंकि उसकी डियोर्निंग करा दी थी, क्या छुपाऊं आपसे, अब उसकी डियोर जरा सेट हो जाए फिर का समझ लें। 15 दिन वो भी अपना शूट करना है इंशाल्लाह। अभी तो हर हफ्ते एक फॉर्म शूट करेंगे आप लोगों की द्वारा ही, और सीजन स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। और भाई बहुत से फार्मर सरप्राइज है, बहुत से फार्मर जो है मेरे पास जो रब्ता करते हैं ना यार, वो मुझे बोलते हैं यार आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था, मुझे नंबर ही मिल रहा था। तो भाइयों मेरा नंबर जो है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन जो होती ना, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे, चैनल के ऊपर जाएंगे तो सबसे आखिरी जो टैब होता है लास्ट का डिस्क्रिप्शन का, उसमें देखिएगा मेरा नंबर वहाँ पर मेंशन है। तो भाई जिसको भी शूट वगैरह करवाना हो तो प्रमोशन करवाना है, प्रमोशन मार्केटिंग जो भी करवाना है उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। नहीं यहाँ पर ZW Vlog होता है, ZW Vlog होता है। आपका शौक दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जो भी शौकीन है ना, अगर किसी का जानवर फोर सेल के लिए नहीं है, कोई बेचना नहीं चाहता, कुर्बानी के लिए अपना शौक कर रहा है, वो एक रुपया उसका नहीं लिया जाएगा। आप बताएं कहाँ शौक कर रहे हैं, आप जगह बताएं, मेरे नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे, वहाँ पर आप खुद आएंगे, फ्री ऑफ चार्ज है वो आपका टोटल। उसकी वीडियो अगर आप टोटल जो भी मंजन होते हैं ना वो सब बेचेंगे वहाँ पे जाके। बिल्कुल ऐसा ही है। और भाई बहुत से लोग पूछ रहे थे कैमरा कौन सा, कैमरा कौन सा, यार सस्ता सा जो है वो कैमरा है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ रख दिया था मैंने शूट करते वक्त, ये देख लें भाई ये कैमरा है, और इसका जूम जो है बस जूम की वजह से लिया था मैंने, जूम इसका बहुत अच्छा है, इसका 200x तक इसका जूम जाता है, और इसका रिज़ल्ट आप अजवा के व्लॉग में देखेंगे। और यह है कैनन का, कैनन HS 580 समथिंग। बाकी मज़ीद जो गैजेट्स हैं वो मंगवाए हैं, मेरा कज़न भी आ रहा है बाहर से, उससे भी कुछ चीज़ें मंगवाई हुई हैं। ड्रोन मैंने बोला था, लेकिन ड्रोन का जो है वो इशू ये होता है ड्रोन का कि जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में ना, वहाँ से तो आ जाएगा लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर आके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारे फराज़ भाई,
फराज भाई बकरियों की कब न्यू एंट्री हो रही है तो बताएं। बस अभी सर्दियों की वजह से थोड़ा सा रुक गए। बहुत अच्छा फैसला है। तो फिर इंशाल्लाह फिर आपके बकरों का भी व्लॉग बनाएंगे। बस बिल्कुल सर्दियां थोड़ी सी कम हो जाए, मौसम बेहतर हो जाए, फिर इंशाल्लाह। सही है सही है। चलें दोस्तों बाकी जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद कर देंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। मगरिब का टाइम हो चुका है, निकलते हैं हम घर के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।